यहाँ उषाराय की स्मृति में बलिया के बापू भवन में लोकतंत्र में महिलाओं के योगदान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कई जानी मानी हस्तियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने भी शिरकत की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जस्टिस रेड्डी ने कहा है कि प्राचीन काल से ही समाज में महिलाओं की अलग भूमिका रही है, आज के समय में भी नारी शक्ति के बढ़ने के तमाम प्रमाण हैं। देश की लोकसभा अध्यक्ष, विदेश और रक्षा मंत्री महिला हैं। ये न सिर्फ महिलाओं की बढ़ती ताकत को दर्शाता है बल्कि उनकी काबिलियत पर भी मुहर लगाता है। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम को बलिया के कई शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। चेतना के तत्वावधान में स्वर्गीय उषा राय जी की स्मृति में भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का योगदान विषय व्याख्यान का आयोजन हम लोगों ने किया। इस व्याख्यान में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, कैट भारत सरकार के अध्यक्ष जस्टिस जरी सिंह रेड्डी जी, बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, तहांतर में देश देशांतर में हमारे यहाँ महिलाओं की प्रतिष्ठा रही है और कैसे उस प्रतिष्ठा को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इन विषयों पर आज हम लोगों ने विशेष रूप से प्रकाश डाला।